जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। 17 मई 2024 का दैनिक राशिफल लेकर मैं आ चुकी हूँ। आज किसके लिए रहेगा धन योग और किसके लिए हुआ नुकसान, तो चलिए जान लेते हैं 12 राशियों का दैनिक राशिफल। आज शुक्रवार का दिन है। 17 मई को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। शुक्रवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होने से इस दिन सिद्धि नाम का शुभ योग भी बन रहा है। शुक्रवार को शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना बहुत ज़्यादा अधिक शुभ होता है। इससे आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होता है, साथ में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो चलिए जान लेते हैं आज आपके ग्रह नक्षत्र कैसे चलेंगे चाल, जीवन में क्या आएगा उतार चढ़ाव, 12 राशियों का दैनिक राशिफल। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के ग्रह स्थिति बेहतर हो रही है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में सुधार महसूस करेंगे। अपने व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह पर अमल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज दिन भर कोई खास निर्णय लेने से सचेत रहें। कोई ऐसा निर्णय बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो आपको भारी पड़ सकता है। छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में रुपये पैसे संबंधी लेन देन ना करें। संतान की गतिविधियों पर भी जरूर से जरूर नजर रखें और साथ में आज आपका व्यवसाय की जो व्यवस्था को बेहतर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोग अनैतिक कार्य में रुचि ना लें, अन्यथा मुसीबत में फंस सकते हैं। और आज आपका लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आज घर परिवार में सामंजस्य बनाकर रखें और एक दूसरे के लिए विश्वास बनाए रखें। गलत प्रेम संबंध से नुकसान होगा। आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। ब्लड प्रेशर और डायबिटिक लोग अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। आज का भाग्यशाली रंग है हरा और आज का शुभ अंक है 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक, आज समय अनुसार अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता अधिक बढ़ेगी, साथ ही आप अपनी फिटनेस पर भी समय दे पाएंगे। ध्यान रहे कि सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बुरी नीयत के लोगों से दूरी बनाकर रखें। कोई नज़दीकी दोस्त या रिश्तेदार आपकी मुसीबत का कारण भी बन सकता है। आज आपकी व्यवस्था व्यवसाय में उचित बनी रहेगी, लेकिन किसी भी काम को कल पर ना टालें। समय पर काम शुरू करने का प्रयास करें। साथ में ही आपके जो स्टाफ होंगे वो कर्मचारी वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आज पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में समय नष्ट बिल्कुल भी ना करें। करियर पर ध्यान दें, फ्यूचर में आपके काम आएगा। स्वास्थ्य पे बदलते वातावरण में सावधानी रखें। कोई इन्फेक्शन होने की स्थिति भी बन सकती है। आज का भाग्यशाली रंग है हरा। आज का शुभ अंक है 8। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक, आज दिन भर घर के रखरखाव सुधार संबंधी कार्यों में आपकी व्यवस्था रहेगी। बजट बनाकर चलने से अनावश्यक खर्चे पर काबू रहेगा। परिवार के साथ भविष्य संबंधी योजनाओं को लेकर नीति बनेगी। आपके विचारों की सराहना भी होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और फाइनेंस संबंधी कार्यों को सावधानी से निपटाएं। कुछ लोग आपके खिलाफ अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे। आवेश में आकर कोई भी ऐसा निर्णय ना लें। शांतिपूर्ण तरीके से हर मामले को सुलझाएं। व्यवसाय संबंधी नई तकनीकों को समझना और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान दें। नौकरी में आपकी व्यवस्था सकारात्मक रिजल्ट्स देंगी। आज पति पत्नी के बीच खुशनुमा संबंध रहेंगे। युवा वर्ग प्रेम संबंधों को लेकर काफ़ी गंभीर और ईमानदार रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य खान पान को विशेष ध्यान दें। घर के किसी सदस्य की बीमारी की वजह से आपके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार आ सकता है। भाग्यशाली रंग है नीला और शुभ अंक है 6। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक, आज आप अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएंगे और समय रहते पुराने मतभेदों और गलतफहमियों को सुलझा लेंगे। बच्चों को अपने प्रयासों से मनोवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। वरिष्ठ लोगों के अनुभवों का लाभ लें। अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। निवेश संबंधी निर्णय में सोच विचार करने की आवश्यकता है। परिवार के साथ विचार विमर्श करने से सफल होंगे। आज आप कामकाज के लिए क्षमता में कुछ दिक्कतें महसूस करेंगे। खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष की जरूरत है। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिक से मुलाकात हो सकती है। पारिवारिक माहौल सुखद और अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से खुशी मिलेगी। आज इन्फेक्शन और थकान की परेशानियां बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग है हरा आज और शुभ अंक है 3। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक, आज अनुभवी लोगों के साथ मुलाकात होगी और उनके मार्गदर्शन से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत करनी होगी
और घर में उचित व्यवस्था बनाए रखें। अनुशासन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्थिक मामलों को लेकर किसी नज़दीकी व्यक्ति से वाद विवाद होने की आशंका लग रही है। रिश्तेदारों के साथ संबंधों में दूरियां भी आ जा सकती हैं और आपका व्यवसाय परिस्थितियां यथावत रहेंगी। और साथ में अगर साझेदारी संबंधी योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर करें, आपको पॉजिटिविटी रिजल्ट्स मिलेंगे। व्यवसायिक तनाव को पारिवारिक सुख शांति पर हावी ना होने दें। प्रेम संबंध को मधुर बनाने के लिए समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, जोखिम लेने से परहेज करें, चोट लगने की आशंका बनी हुई है। भाग्यशाली रंग है सफ़ेद, भाग्यशाली अंक है 6। कन्या राशि के जातक आज बेहतर आपका दिन, अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य बनने की संभावना बन रही है। युवाओं को किसी प्रोजेक्ट में सफलता भी मिलेगी। मित्रों और संबंधियों के साथ आपकी किसी गलती की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। परिवार और घर के बुजुर्गों को आपकी देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आज आप बिजी रहेंगे। साथ में आपके वाद विवाद होने के कर्मचारियों से पूरे आसार दिख रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। और आपको मीडिया या फ़ोन से बड़ा ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद बनी हुई है। घर और पारिवारिक लोगों के साथ वातावरण तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें। नियमित व्यायाम, योग करें। मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से कंधों में दर्द हो सकता है। आज का भाग्यशाली रंग है ऑरेंज कलर। आज का शुभ अंक है 3। तुला राशि के जातक, ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। भाइयों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और पिछले कुछ समय से चली आ रही नेगेटिविटी या गलतफहमियां दूर होंगी। धन का लेन देन सावधानी से करें, इस समय आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचें, कोई भी काम आप नजायज फायदा उठा सकता है। प्रॉपर्टी या कमीशन संबंधी व्यवसाय में कुछ बेहतर डील होने की संभावना है। बाहरी लोगों से किसी भी प्रकार का व्यापारिक अनुबंध ना करें, कोई भी धोखा दे सकता है। पति पत्नी आपसी तालमेल से समस्याओं को हल निकाल लेंगे। आज घर का वातावरण सुखद रहेगा। ज़्यादा तेलीय भोजन से परहेज करें। वर्तमान मौसम में भी अपना बचाव रखें। भाग्यशाली रंग है लाल और शुभ अंक है 3। वृश्चिक राशि के जातक आज कुछ विशेष परिस्थितियां बनाने वाली हैं आपके लिए। सकारात्मक विचारधारा के लोगों के संपर्क में रहने का अवसर मिलेगा। जीवन स्तर सुधारने के लिए सिद्धांतवादी और व्यापक दृष्टिकोण भी रखेंगे। यह स्थिति में कुछ प्रतिकूलता रह सकती है। अफवाहों से दूर रहें। किसी काम के अनुरूप परिणाम न मिलने से तनाव हो सकता है। धैर्य बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निकट भविष्य में आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम ज़रूर मिलेंगे। आज आपका काम निपट भी जाएगा, जो भी आप व्यवसाय में आपने फैलाया हुआ है। तो कार्यभार की अधिकता जरूर रहेगी, इसलिए आप जब वो काम पूरा करेंगे तो कहीं से कोई रुका हुआ या अटका हुआ पैसा मिलने की राहत भी मिलेगी। व्यापार ये किए गए ठोस निर्णय फायदेमंद साबित होंगे। वैवाहिक जीवन में आज मनमुटाव बना रहेगा। ध्यान रहे कि घर की बात बाहर न जाने दें। वर्तमान मौसम की वजह से सुस्ती और आलस हो सकता है। खान पर विशेष ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग है जामुनी और शुभ रंग अंक है 8। धनुराशि के जातक आज कोई नई जानकारी हासिल होगी जो कि आपके भविष्य में लाभदायक साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास और चतुरता से कोई भी काम निकलवाने में सफल रहेंगे। ध्यान है कि कोई निर्णय लेने में अधिक समय ना लगाएं, वरना उपलब्धि दूर हो सकती है। खास तौर पर युवाओं को मौज मस्ती और लापरवाही में अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मामा पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखेंगे। कार्य क्षेत्र में आज बिजी रहेंगे और आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, मगर कुछ विलंब हो सकता है। कुछ भरोसेमंद पार्टियों से आपको नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, इन्हें हासिल करने में ज़्यादा सोच विचार ना करें, तुरंत निर्णय ले लें। ऑफिशियल गतिविधियों में आपका वर्चस्व बना रहेगा। घर परिवार में अनुशासित और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। गलत प्रेम संबंध से दूरी बनाकर रखें। आलस और नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन से अपने आप को स्वस्थ बनाएं। मकर राशि के जातक, अगर पार्टी संबंधी खरीद फगरोत का काम चल रहा है तो आज इससे का कोई उचित परिणाम सामने आ सकता है। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करके आपको खुशी हासिल होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। अपने कार्यों को समय पर पूरा कर लें और दूसरों के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप ना करें, इससे आपकी मान हानि होने की आशंका है। घर में मेहमानों के आगमन से महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। मीडिया या संपर्क सूत्रों के माध्यम से व्यवसाय संबंधी उत्तम जानकारियां हासिल करें। किसी नए कार्य को शुरू करने में ये जानकारियां सहायक साबित होंगी।
नौकरी पेशा या ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ वाद विवाद ना करें। पारिवारिक व्यवस्था सुखद रहने में आपका विशेष सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ करने की बजाय अपने करियर पर ध्यान दें। आज का मौसम आपको नेगेटिविटी के असर देगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, लापरवाही ना करें। भाग्यशाली रंग है केसरिया, शुभ अंक है 8। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक पिछले कुछ समय से आप जिस कार्य को लेकर प्रयासरत थे उसके उचित परिणाम मिलने के अनुकूल समय मिल रहा है। विरोधी आपके समक्ष परास्त रहेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे, समय का उचित सदुपयोग करें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्रोध और उत्तेजना से कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। किसी भी असमंजस की स्थिति में घर के अनुभवी और बड़े बुजुर्गों की सलाह लें और साथ में ही फायदेमंद स्थितियां बनी रहेंगी। व्यवसाय में आपके सरकारी कार्यों से जुड़े व्यवसाय में आपको सफलता जरूर मिलेगी और जो भी सरकारी नौकरी करते हैं उनको भी खुशखबरी मिल सकती है। पारिवारिक वातावरण सुखी रहेगा। खांसी जुकाम जैसी समस्या में लापरवाही ना करें, उचित इलाज करवाएं, अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रखें। भाग्यशाली रंग है गुलाबी, आज का शुभ अंक है 5। मीन राशि, मीन राशि के जातक परिवार में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए फायदे कानून बनाएंगे जो कि बेहतर रहेंगे। बच्चों के उचित व्यवहार में मन में सुकून रहेगा। संबंधियों के साथ फोन पर संपर्क में रहें, इससे संबंधों में मधुरता रहेगी। लेकिन अपरिचित लोगों से व्यवहार करते समय अपनी निजी बातों को शेयर ना करें। अगर किसी कार्य में रुकावट आती है तो इसका मुख्य कारण आपके अनुभव में कमी ही होगा। घर में होने वाली छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, इससे व्यवस्था ही आपकी बिगड़ेगी। व्यवसाय निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है तो कोई भी निवेश नहीं करें और कोई भी निर्णय लेते समय घर के सदस्यों की सलाह भी जरूर ले लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा, सभी सदस्य आपस में बैठकर मनोरंजन का आनंद लेंगे। मौसमी बीमारी नज़ला जुकाम और बुखार हो सकता है, दिनचर्या आपकी बिजी रहेगी, आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें। आज का भाग्यशाली रंग है क्रीम और शुभ अंक है 2। तो आज का दैनिक राशिफल हो चुका है। आपका दिन मंगलमय हो, आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आती हूँ कल के राशिफल के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।